हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेबीएन डॉक्टर राकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एन एम ऑफ मेडिसिन। जैसे कि हमने हमारे लास्ट एफोरिज्म के अंदर 26 के अंदर नेचर्स लॉ फ्लोर के बारे में बात करी थी, तो यही उसी का है कंटिन्यूएशन पार्ट है 27 एफोरिज्म। इसमें के अंदर हम बात करेंगे अथॉरिटी पावर ऑफ मेडिसिन डिपेंड ऑन एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज, राइट। एनिमेंट रीअसर्ट्स इन एफोरिज्म 27 दैट द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन डिपेंड सोलली ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर सिम्टम्स एंड बाई गिविंग सच ए रेमेडी इन ए केस दैट डिजीज इज रिमूव परमानेंटली रैपिडली एंड टोटली, दैट इज द आइडियल क्योर। आवर सेकेंड एफोरिज्म इज फुलफिल्ड बाई this method only if we follow apply properly according to our principles. The curative power of medicine therefore depends on their symptoms similar to the disease but superior to it in strength, so that each individual case of disease is most surely radically rapidly and permanently annihilated and removed by a medicine capable of producing in the most similar and complete manner the totality of its symptoms, which at the same time are stronger than the disease. This is very small aphorism. The main thing in this aphorism, that is the each individual case of disease, this line is very very important. Aur sirf hum isi line ko samajhna hai, ये समझ में आ गई तो हम होम्योपैथी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, सब चीज़ों को ढंग से समझ सकते हैं। तो लोग क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन डिपेंड ऑन देयर सिम्टम सिमिलरली, क्योरेटिव पावर डिपेंड करती है उस एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, और ये जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप हो रही है वो स्ट्रॉन्गर हो रही है, सुपीरियर है स्ट्रेंथ के अंदर। So that each individual case of disease means each individual case of disease, तो हमें नोसोलॉजिकल नाम के अंदर नहीं जाना डिजीज के, हमें उस पर्टिकुलर पर्सन को समझना है, उस इंडिविजुअल पर्सन को समझना है, उस इंडिविजुअलिटी को हमें कैप्चर करना है। जो हम टोटलिटी बना रहे हैं उस इंडिविजुअल पेशेंट के करेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम्स की हमें हम बना रहे हैं टोटलिटी, वही टोटलिटी हमारे सिमिलर मेडिसिन के अंदर मैच करनी चाहिए, तब ही ये मेडिसिन श्योरली रेडिकली रैपिडली एंड परमानेंटली एनिहिलेटेड हो रही है, तब ही ये मेडिसिन डिजीज को परमानेंटली रैपिडली रेडिकली ठीक कर देगी। तो हमें हर पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को पहचानना है, हमें कैसे इंडिविजुअलिटी मतलब बनानी है हर केस के अंदर, ये सीखने की जरूरत है। इसी से हाउ वी इंडिविजुअलाइज ए केस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब ही हमारी सफलता होम्योपैथिक की सफलता डिपेंड करेगी कि हम किस तरह का वर्क कर रहे हैं। मीन्स की सिमिलरिटी मतलब कि जो कॉमन सिम्टम की सिमिलरिटी नहीं मिलनी चाहिए, एक्चुअली सिमिलरिटी मिलनी चाहिए करेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम्स की, तब ही हमारी मेडिसिन मैजिकली वर्क करेगी पेशेंट, तब ही हम जो बात करते हैं बड़ी बड़ी बातें श्योरली रेडिकली रेपिडली परमानेंटली क्योर करने की, तब ही हमें क्योर देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। सो इन दिस अपोरिज्म Eniman says once again about the individualization of the case, similar medicine must cover the characteristic symptom of the disease, then it will work wonderfully. So in every case learn how to individualize a case, so means physician ko kabhi bhi disease ke naam ke andar nahi padhna hai, usko apne
अपना काम जो है वो पेशेंट के अंदर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ढूंढना है, वो पिक्यूलियर सिम्टम्स को ढूंढना है, डिजीज वगैरह कुछ। ओके थैंक यू। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्या विमेंस यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल वर्जन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व। Thank you.